दाता पति पत्नी ने बनाई देश दुनिया में अलग पहचान। कृषि बजट के लिए सुझाव बताया। राष्ट्रीय किसान दिवस जो भारत में देश के पांचवें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह ने भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई सुधार कार्य किए। भारत को किसानों का देश कहा जाता है और किसानों से जुड़े मुद्दों पर आए दिन आवाज उठती है। इस दिन को किसान दिवस के तौर पर मनाने का मकसद पूरे देश को यह याद दिलाना है कि किसान देश का अन्नदाता है और यदि उसे कोई समस्या होती है तो सबको साथ देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई और उम्मीद है कि आने वाला वर्ष किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा और कई तरह के बदलाव हुए हैं किसानों की सोच में और किसानों के कार्य कुशलता में। और इस कोविड जैसे आपदा में भी किसानों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उसमें मेहनत की है, तो इसलिए बहुत खुशी का विषय है। और एक बार पुनः सबको बधाई और मेरी ओर से शुभकामनाएं। यहाँ विशेषकर राजस्थान में और विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है। और पानी जो है वो किसी नहर से भी आने वाला नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। केवल पीने का पानी आ सकता है और पीने का पानी भी जहाँ से आएगा तो वो उस क्षेत्र की जो नहर में किसानों के लिए खेती होती है उतना पानी वहाँ कम हो जाएगा। तो जो पानी की जो समस्या है वो केवल एक ही कार्यक्रम बचता है बाद में कि जो बरसात का जो जल है, बरसात, क्योंकि बरसात 100 सालों में भी बरसात की जो औसत है उसमें कमी नहीं आई है, तो इतना बरसात का पानी अगर हम इकट्ठा करने की कोशिश करें या इस पर कोई योजनाएं बनाएं, इस पर कोई कार्यक्रम करें तो वो ही सबसे अच्छा है। और उसी से हम जो है वो खेती फलदार पौधों की, सब्जियों की, पेड़ों की, कई तरह की खेती कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम होना चाहिए। और जो इस समय जो है, जैसा कि मैंने कहा, बरसात का पानी इकट्ठा करना चाहिए। पेड़ों की कतारों के बीच में खाली जगह है, उस पर पॉलीथीन बिछा कर मैंने भी पानी इकट्ठा किया है। 1 हेक्टेयर से 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा किया है, तो उससे आधा पानी बगीचे को पर्याप्त है। 10 लाख लीटर ही 1 हेक्टेयर में पर्याप्त है अनार के लिए। बाकी के पानी से सब्जियां, फसलें और दूसरे जो सहजना के पौधे हैं वो लगाए हैं और उनके बीच बीच में फसलें भी हैं, कभी सब्जियां भी लेते हैं। तो इस तरह के जो नए नवाचार है वो शुरू किए जाने चाहिए। और मेरा एक आग्रह और है कि जो किसान आयोग की रिपोर्ट माननीय नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में बनी थी उनमें बहुत सिफारिशें लागू हुई हैं, बाकी सिफारिशें भी लागू होनी चाहिए, जिसमें जल संरक्षण के कार्य हैं, कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों इनमें नियुक्तियां हैं और शिक्षा में बदलाव है और जो फसलों में नए नए अनुसंधान होते हैं वो किसानों तक पहुंचाने के बारे में है, तो वो जो कई सिफारिशें हैं वो एक तो वो लागू होनी चाहिए। और इसके साथ में जो कृषि का जो महाविद्यालय है फतेहपुर में,